कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, और फिर भी नहीं सुधर रहा तू नास पिट्टे। आई एम बे तो आ गया। कैसे हो? नहीं बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, नहीं बजा और तेज, नहीं बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मम्मी आपको घर में कितना भी पौष्टिक, कितना भी स्वादिष्ट खाना बना के दे दे, आपको बाहर घटिया खाना बनाने वालों की बातें सच्ची लगती हैं। लोगों को अपनी पत्नी नहीं, दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है। आपका भी कुछ ऐसा ही है। कंपनी ने आपको अपने फोन में बढ़िया मस्त कीबोर्ड बना के दिया है, लेकिन आपको तो वो यूज करना ही नहीं है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। आपको तो जो बाहर कीबोर्ड मिल रहे हैं ना, गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, AI टाइप स्विफ्ट कीबोर्ड, आपको तो वो इस्तेमाल करने हैं। और करने भी क्यों नहीं है भैया, इतने रंग बिरंगे अतरंगी हैं और इनकी चर्चाएं तो भैया चारों ओर है। लेकिन माफ कीजिएगा भाइयों बहनों, साले चोर है भाई। आप मेरी बात पे यूं यकीन मत मानो, जैसा साहब मैं सबूतों के साथ आया हूं। आपने AI टाइप कीबोर्ड का नाम तो सुना ही होगा ना, जो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए उपलब्ध है। भाई इसके 40 मिलियन यूजर्स हैं, और ध्यान से सुनना, 5 दिसंबर 2017 को 31 मिलियन यूजर्स का डाटा लीक हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी मत चौंको, अभी तो और सुनो। इनका जो डाटा बेस सर्वर था वो खुला पड़ा था, बिना किसी पासवर्ड प्रोटेक्टेड के। नहीं, अगलों ने पासवर्ड ही नहीं लगा रखा था कि भाई कोई भी आओ और जो जानकारी लेना है लेके चले जाओ। नहीं, बहुत बढ़िया, यहाँ किसी के फोन में कुछ भी नहीं होता तब भी वो पासवर्ड की परत पे परत चढ़ाए रखता है, कि यदि कोई उसकी गैलरी भी खोलना चाहे ना तो भाई पासवर्ड पे पासवर्ड पे पासवर्ड खोलते खोलते आदमी जवानी से बूढ़ा हो जाएगा। और तुमने अपने डेटाबेस सर्वर पे पासवर्ड ही नहीं लगा रखा, इससे भी कुछ नहीं होगा। और सुनो, AI टाइप कहता है कि जो भी आप हमारे कीबोर्ड में टाइप करते हो, मतलब जो भी कुछ लिखते हो, उसे हम लर्न नहीं रखते, मतलब याद नहीं रखते, रिमेम्बर नहीं रखते, ताकि कोई और इस्तेमाल करे। लेकिन ZD नेट के अनुसार 8.6 मिलियन लोगों का डाटा टेक्स्ट के रूप में टाइप पाया गया था। और क्या कहता है उसमें पता है? फोन नंबर, जो भी आपने फोन नंबर टाइप किया था, ईमेल एड्रेस, किसी का प्राइवेट ईमेल एड्रेस, नॉर्मल एड्रेस, और जो भी आप वेब में सर्च कर रहे हो, सन्नी लियानी, और पासवर्ड, जो आपने जीमेल का, फेसबुक का, अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड जो भी टाइप कर रखा था, वो भी उसमें पाए गए थे। भाई इनको उल्टा लटका के इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए कि जब दोबारा उल्टा लटकाए ना, तो ये ना पता चले कि ये उल्टे किधर से हैं, सीधे किधर से हैं। क्या था ये? ऐसी घटना भैया स्विफ्ट कीबोर्ड की भी है। स्विफ्ट कीबोर्ड का भी डाटा लीक हुआ था। जब से इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, तब से ये आपके टेक्स्ट को दूसरे व्यक्ति को सजेशन में देता है। अच्छा है, समझो कि मान लो स्विफ्ट कीबोर्ड मैंने अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है और मैंने ईमेल एड्रेस टाइप किया, तो किसी अन्य व्यक्ति जिसे मैं जानता भी नहीं हूं, पता नहीं कौन है, उसके सजेशन में जब वो टाइप कर रहा है, तो मेरा जो प्राइवेट ईमेल है उसको उसके सजेशन में दिखा रहा है। नहीं भैया, तुम्हारे वो पापा जी का ईमेल है जो तुमने मुझसे बिना पूछे फलाने आदमी को सजेशन में दे दिया। या तुम्हें लगता है, या तुम्हें लगता है कि भाई वो मेरे चाचा ताऊ मामा फूफा का कोई है जो वहां तक आपने मेरा ईमेल पहुंचा दिया? पागल हो क्या? और आईफोन वालों को तो भैया भगवान ही मालिक है। जब वो ऐप इंस्टॉल करते हैं तो कीबोर्ड की ऐप उनसे पूछती है अलाउ फुल एक्सेस, मतलब जो करना है कर लो हमारे साथ। और हम जैसों की आदत तो इतनी गंदी है कि आंख मीच के अलाउ 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 करते चले जाते हैं बिना पढ़े, चाहे सामने ऐप ने ये भी लिख दिया हो कि चार आदमी आएंगे तुम्हारे मुंह पे चार चांटे मार के जाएंगे और चार आदमी चार चुम्मा भी लेके जाएंगे, और हम आंख मीच के कर देते हैं अलाउ। भाई मेरी किसी भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे अपने हो तो आपको किसी समस्या में जाने नहीं दूंगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी ये थर्ड पार्टी कीबोर्ड ऐप है, क्योंकि इनके बारे में खबर आ गई इसलिए कह रहा हूं कि इनसे बचें, आप इनको इंस्टॉल ना करें, क्योंकि आप अपने कीबोर्ड में सब कुछ ही टाइप करते हो यार, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, बैंक कार्ड की डिटेल, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप उसी में टाइप करते हो, और वो लीक हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप पहले से यूज कर रहे होगे, लेकिन कुछ नहीं होता तो भैया कभी कुछ नहीं होता, लेकिन भाई जब बुरा वक्त आता है ना, तो भाई मक्खन खाने से भी दांत टूट जाता है, मिठाई खाने पे अचार का स्वाद आता है, टंकी पूरी भरी हो लेकिन टॉयलेट में पानी नहीं आता है, और चुम्मा लेने से भी एड्स हो जाता है। तो बस इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के काले बटन को ना नीला कर देना, काला पीला जैसा करना है कर देना, पर लाइक्ड लिख के आना चाहिए, और मन करे तो वीडियो को शेयर कर देना, दिल की प्यारी बातों को कमेंट में मुझे भाई जरूर बताना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
भाई फोन में कितने भी अलार्म लगा लो, सबसे खतरनाक अलार्म होता है हमारी मम्मी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे सुबह 7 बजे उठाना, तो 6 बजे कहने लगी नाश पिट्टे खड़ा हो जाए, 10 बज रहे हैं।